वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ अनमोल और आप देख रहे हैं अनमोल्स किचन। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़े का, बहुत ही क्रिस्पी जिंगर बर्गर। तो जिंगर बर्गर कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो देखते हैं। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तो सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा सा बाउल और उसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन की पेस्ट 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून लाल मिर्च और नमक भी 1 टीस्पून ही डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और पेपरिका पाउडर डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सिरका। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स। और अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन, बोनलेस चिकन है। और इसको हम आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हम क्रीम लेंगे और उसके बाद हम लेंगे मायोनेस। ये सेम क्वांटिटी में लेना है, 200 ml है क्रीम भी और मायोनेस भी। इसे मिक्स करेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी सी लाल मिर्च को मिक्स करेंगे अच्छे से। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया। सबसे पहले हम चिकन पीस लेंगे और मैदे में इसको ऐसे रोल करेंगे, बहुत अच्छे से मैदा लगाएंगे और फिर एक बाउल में ठंडा पानी लेंगे, उसको इसमें 10 सेकंड के लिए रख देंगे। और फिर से मैदे में रोल करेंगे। और फिर से इसको पानी में डालेंगे और मैदे में रोल करेंगे। ऑयल को गरम कर लेंगे, इतना गरम होना चाहिए कि आप इसमें कोई चीज़ डालें तो वो एकदम ऊपर आ जाए। और अब हम इसमें ये चिकन पीस डाल देंगे और आंच हल्की कर देंगे। अब हम बंद लेंगे, उसको हल्का सा तवे पे गर्म करेंगे। सबसे पहले हम ये मायो जो हमने बनाई थी क्रीम के साथ ये लगाएंगे, उसके बाद उस पर रखेंगे ये चिकन पीस और थोड़ी सी बंद गोभी। फिर से मायो लगाएंगे और केचप तो जिंगर बर्गर हमारा बनके रेडी है।
आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।